तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए आर एजुकेशनल हब। फ्रेंड्स, माय सेल्फ अभिषेक। तो आई होप फ्रेंड्स, आप लोग अपने घर में बहुत अच्छे से रह रहे होंगे और स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, मेरा यही कामना है कि आप लोग बहुत अच्छे रहो, हेल्दी रहो फ्रेंड्स, और जो भी स्टूडेंट वो पढ़ते रहे और अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज जाते रहे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज का मेरा ये जो वीडियो है फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाला है फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने इसमें बहुत ज्यादा मेहनत की हुई है फ्रेंड्स। मैं बहुत दिन से ये कोशिश कर रहा था कि नीट का रिजल्ट आने से एक दिन पहले मैं ये वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। और फ्रेंड्स, ऐसा नहीं कि ये वीडियो के बारे में मैंने आज ही सोचा है तब मैं बना रहा हूं, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये वीडियो के बारे में मैं बहुत दिन से सोच रहा था, जब से नीट की एग्जाम खत्म हुई है तब से मैं इस बारे में सोच रहा था फ्रेंड्स, तब जाके आज मैंने सोचा था कि ये वीडियो आप लोग को आज दूंगा। फ्रेंड देखिए, जो भी स्टूडेंट इसको रिजल्ट के बाद देख रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत अच्छे होने वाले हैं फ्रेंड्स। और हो सकता है कोई बच्चे ऐसे होंगे जिनका रिजल्ट कल आने वाला है फ्रेंड्स, और वो आज ये वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत अच्छा है फ्रेंड्स। मैं इसमें जो भी बोलूंगा फ्रेंड्स, मैं दिल से बोलूंगा। देखिए, आप समझ लीजिए कि मैं एक यूट्यूबर न हूं, मैं आप लोगों से किसी भी प्रकार के यूट्यूबर जैसा आज बिहेव नहीं करने वाला। समझ लो कि मैं भी एक स्टूडेंट हूं, ठीक है। मैं स्टूडेंट की तरफ से आप लोग से आज बात करने वाला हूं। ऐसा नहीं है कि मैं यूट्यूबर हूं इसलिए मैं आप लोगों को मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा हूं, इसलिए मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरा ऐसा कोई भी बिल्कुल भी ऐसा सोच नहीं है। मैं आप लोगों को एक स्टूडेंट टाइप आज समझाने वाला हूं, ठीक है फ्रेंड्स। तो प्लीज इस वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहे यार आप प्लीज, क्योंकि फ्रेंड्स देखिए, वैसे भी अभी आप लोगों को कहां जाना है, अभी तो आप लोग के पास टाइम है फ्रेंड्स, कल से ना भाग दौड़ स्टार्ट होने वाली है। तो प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है आप लोग से, प्लीज इस वीडियो को जरूर देखना, ठीक है, और सुनने की कोशिश करो मैं आखिर क्या बोलता हूं। अगर मैं कुछ गलत बोलता हूं तो सॉरी, मैं पहले कह दूं, बट अगर बात अच्छी लगे तो प्लीज इस वीडियो को जरूर लाइक करना यार, ठीक है, और शेयर करना बिल्कुल ना भूलना, ठीक है। तो फ्रेंड देखिए, आप सभी को पता है कि जब एग्जाम खत्म होते हैं, आप सभी को पता है एग्जाम खत्म होने के बाद बहुत मजा आता है फ्रेंड्स, बहुत ज्यादा मजा आता है। ये आपने भी जानते होंगे कि अगर आपका कोई भी एग्जाम खत्म हो, चाहे बोर्ड का एग्जाम हो, चाहे 8-9 का एग्जाम खत्म हो, या फिर नीट जेई, जो कि बहुत बड़ी एग्जाम है फ्रेंड्स, कॉम्पिटेटिव एग्जाम बहुत बड़ी एग्जाम होती है, तो जब ये एग्जाम खत्म हो जाती है ना फ्रेंड्स, उसके बाद जो सुकून मिलता है ना, बहुत अच्छा सुकून मिलता है, दिल को लगता है कि कोई बड़ा पहाड़ हम लोग के सर से हट चुका है, ठीक है, बहुत ज्यादा सुकून मिलता है। और फ्रेंड्स वही होते हैं ना, हमारे खुशी को किसी की नजर लग जाती है, और नजर क्या होता है फ्रेंड्स, वो होता है रिजल्ट। आप सभी जानते हो इस खुशी को नजर लग जाती है फ्रेंड्स, वो है रिजल्ट। आप सभी को पता है फ्रेंड्स कि रिजल्ट जरूरी होता है, आपका प्रोग्रेस रिपोर्ट होता है फ्रेंड्स, वो कि आप कितने करियर आपका आगे बढ़ने वाला है, या फिर आपको और थोड़ा प्रिपरेशन करने की जरूरत है, और थोड़ी तैयारी करने की जरूरत है फ्रेंड्स। ये जो रिपोर्ट कार्ड आता है फ्रेंड्स, इसमें बहुत सारे बच्चे थोड़ा डिप्रेस्ड हो जाते हैं। आप समझ रहे हो कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। जैसा कि फ्रेंड्स आप जानते हैं, कल नीट का रिजल्ट है, आप सभी को पता है फ्रेंड्स कल नीट का रिजल्ट है। तो ऐसे में कुछ बच्चे, जैसे कि देखिए फ्रेंड्स, मैंने बहुत बार कहा है कि मेडिकल के स्टूडेंट, जो मेडिकल स्टूडेंट होते हैं ना, वो एग्जाम देने लगभग लगभग 15 से 16 लाख बच्चे एग्जाम देने बैठते हैं, ये आप सभी जानते हैं फ्रेंड्स। हमारे देश में जो है ना फ्रेंड्स, प्रतियोगिता बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, बहुत तेजी से। इस बात को आप भी मानते हो कि हमारे देश में जो प्रतियोगिता है, ये कंपटीशन जो है बहुत ज्यादा हाई है, आप भी जानते हो। जैसा कि आप सभी को पता है फ्रेंड्स कि एमबीबीएस सीट हो, या फिर बीडीएस सीट हो, या वेटनरी सीट हो, इसमें बहुत ही कम सीट्स अवेलेबल है हमारे इंडिया में। आप सभी जानते हो एमबीबीएस में लगभग 80 से 90 हजार ही सीट वैलिड है हमारे इंडिया में, इतनी ही सीट आपको गवर्नमेंट कॉलेज में मिल सकते हैं। और फ्रेंड्स फॉर्म कितने भराते हैं, या तो आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हो फॉर्म कितने भरते हैं, तो फॉर्म फ्रेंड्स भरते हैं 15 लाख 16 लाख। अब फ्रेंड्स आप मुझे बताइए, जो 14 लाख बच्चे हैं वो तो बुड़बक है नहीं, है ना, वो भी जानते हैं कि मैं प्रिपरेशन कर रहा हूं। देखिए सबसे पहली बात मैं आप लोग से कह दूं, सभी बच्चे जो हैं, 15 लाख जो बच्चे हैं, 15 लाख जो बच्चे हैं फ्रेंड्स, वो चाहते हैं कि मुझे अपना ड्रीम मेडिकल कॉलेज मिले, वो बच्चे चाहते हैं कि मैं मेडिकल कॉलेज में जाऊं, ठीक है। मगर कॉलेजेस किनको मिलता है, बस 80 हजार बच्चों को, 90 हजार बच्चों को, ठीक है। यानी वह उनको कॉलेज क्यों नहीं मिला, हो सकता है जो स्टूडेंट ने ज्यादा पढ़ाई की थी, या फिर लक बाय चांस, या फिर उन्होंने ज्यादा मेहनत की थी, हो सकता है जो उन्होंने पढ़ा था वही क्वेश्चन आया हो, तो हो सकता है कि मेरे से ज्यादा नंबर मेरे सामने वाला का हो, ये आप भी मानते हो। सपोज दैट जो मेरा फ्रेंड है वो इस बार नीट में क्वालिफाई कर जाता है और मैं इस बार क्वालिफाई नहीं करता हूं, सपोज दैट, अगर मैं एक नॉर्मल बात लेके चलू, अगर वो क्वालिफाई कर जाता है और मैं क्वालिफाई नहीं करता हूं, तो फ्रेंड्स आप सोच सकते हो कि कैसी फीलिंग होगी। मैं जानता हूं फ्रेंड्स
बहुत ही बुरी फीलिंग होने वाली है फ्रेंड्स, आपको बहुत कुछ मन करने वाला है, मैं जानता हूं। कुछ बच्चों ने तो अभी से तैयारी शुरू कर ली होगी कि नीट रिजल्ट निकलेगा, बस सीधा सुसाइड करना है सर, सीधा सुसाइड करना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैं आपको कह दूं, सुसाइड करने से कोई भी सिचुएशन का हल नहीं होता है फ्रेंड्स। ये हो गया भागना, उस चीज से भागना। आप उसको जब फेस नहीं कर सकते तो आप उसमें प्रिपरेशन की आपने हिम्मत कहां से लाई। देखिए फ्रेंड्स, मैं बार बार आपसे कहता हूं, मैं लगातार हर वीडियो में यही बात कहता हूं कि आप एक डॉक्टर बनने वाले हो, आपकी जितना हिम्मत किसी के पास नहीं हो सकता। आप एक डॉक्टर बनने वाले हो, एक सक्सेसफुल डॉक्टर बनने वाले हो यार, तो आपसे ज्यादा हिम्मत वाला कोई नहीं हो सकता। और जो सुसाइड कर लेते हैं ना फ्रेंड्स, मैं उनसे कहता हूं कि वो कभी डॉक्टर नहीं बन सकते। जिनका माइंड में ये आता हो कि नहीं मेरा प्रोग्रेस नहीं हुआ, मैं सुसाइड कर लूंगा, तो फ्रेंड्स मैं आपसे कह दूं वो कभी डॉक्टर नहीं बन सकते। क्योंकि प्रॉब्लम से लड़ना आता है डॉक्टरों को। इस कोरोना महामारी के दौर में भी डॉक्टर लड़ रहे हैं फ्रेंड्स, पेशेंट को बचा रहे हैं फ्रेंड्स, तो उनकी हिम्मत है। अगर वही डॉक्टर सोचेंगे कि हम नहीं बचा पाएंगे, हम नहीं कर पाएंगे, तो फ्रेंड्स भगवान उनको क्यों कहा जाएगा। आप सभी को पता है डॉक्टर को भगवान कहा जाता है फ्रेंड्स। तो इतना नॉर्मल और इतना आसान आदमी को भगवान नहीं कहा जा सकता, उनको भगवान का दर्जा नहीं मिल सकता। आप में जरूर कोई खासियत है, आप में जरूर वो बात है डॉक्टर कहलाने का, भगवान कहलाने का, तब जाके लोग आपको डॉक्टर कहते हैं, डॉक्टर साहब कहते हैं, भगवान कहते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं मानता हूं कि भले ही कुछ ऐसे स्टूडेंट है जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा इस साल, मैं मानता हूं कि लगभग 14 लाख बच्चे हैं जो उनका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा इस साल, मगर वो बच्चे क्या करेंगे, वो बच्चे क्या करेंगे फ्रेंड्स। ऐसा नहीं है कि आप डिप्रेस्ड होकर पूरा परेशान हो जाओ कि मुझसे अब तो नहीं होगा, मैं सक्सेस नहीं कर पाऊंगा, मुझसे एमबीबीएस नहीं होगा, मैं छोड़ दे रहा हूं, मेरा तो दूसरा अटेम्प्ट था, मेरा तीसरा अटेम्प्ट था, या फिर जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट था वो भी परेशान होंगे कि मेरा रिजल्ट नहीं हो पाया। फ्रेंड्स मैं जैसा कि मैं आप लोगों से बता दूं, जो व्यक्ति पढ़े लिखे होते हैं, जो समझदार व्यक्ति होते हैं फ्रेंड्स, वो अपनी कल की चिंता करते हैं, ना कि पुरानी बातों को लेके चिंता होते हैं। जैसा कि मैं आपसे कह दूं, आपका जो एग्जाम है फ्रेंड्स वो हो चुका है, अब रिजल्ट की घड़ी है। आपका एग्जाम हो चुका है, अब जो भी होगा फ्रेंड्स देखा जाएगा, जो भी होगा अब देखा जाएगा फ्रेंड्स। रिजल्ट आने वाला है आपका, अब जो भी होगा देखा जाएगा। अब आपको अपना फ्यूचर सुधारना है, जो गलती आपने पहले किया था वो गलती आपको फिर से नहीं दोहरानी है, ठीक है। ये आप भी जानते हो, जैसा कि अगर आपने जिस तरह से भी क्वेश्चन लिखा हो, जिस तरह से भी आंसर किया होगा, वो आपको पता है कि आप में कहां खामियां हैं, आप में कहां गलतियां हैं, इस वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया इस साल। ये आपको भली भांति पता है फ्रेंड्स, किसी को पता हो ना हो, आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि आपका इस बार सिलेक्शन किस वजह से नहीं हुआ है, ठीक है। तो इस जो प्रॉब्लम थी आपके साथ, उसको आप सुधार सकते हो, आप फिर से उसको संवार सकते हो, और फ्रेंड्स इस साल नहीं तो अगले साल नीट 2021 में आप क्वालिफाई कर रहे हो। प्रॉमिस करो मुझे कि सर हां मेरा नीट 2020 नहीं निकला है, और नीट 2021 मैं सक्सेस करूंगा, मैं डॉक्टर बन के दिखाऊंगा सर आपको। जो भी स्टूडेंट मुझे प्रॉमिस करते हैं फ्रेंड्स, वो कमेंट सेक्शन में जाके लिखे कि हाँ मैं डॉक्टर बनूंगा नीट 2021 में, नहीं हुआ मेरे से नीट 2020 में, बट मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं एमबीबीएस डिग्री लेके रहूंगा नीट 2021 में, ठीक है फ्रेंड्स। तो जिन बच्चे में भी हिम्मत है वो जाके लिखे, मुझे चैलेंज करें, मुझे प्रॉमिस करें फ्रेंड्स। मैं चाहता हूं कि मुझे ऐसे बच्चे मिले जो मुझे चैलेंज कर दे, मुझे प्रॉमिस कर दे कि हाँ सर हम ये नीट 2021 क्रैक करके रहेंगे। आप सभी को जैसे कि मैंने अभी कहा कि आप अपना फ्यूचर जो बीत चुका है फ्रेंड्स, उसके बारे में ना सोचें, ठीक है। आपने क्या गलती की थी, किस वजह से नहीं हुआ, क्या गलती आपने किया, आपने क्या किया जिस वजह से आपका एग्जाम इस बार क्लियर नहीं हो पा रहा है, जो भी चिंता है, आपका रिजल्ट नहीं निकला, कोई बात नहीं। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स कि आपका रिजल्ट निकल जाता तो आप कुछ बड़े बन जाते। हो सकता है आपके करियर में फ्रेंड्स इससे भी बड़ा कुछ लिखा हो सकता है आप पढ़ रहे होंगे बीएचयू के लिए, तो हो सकता है इस बार आपको एम्स मिल जाए, ठीक है। आप इतना मेहनत कर दो कि अगर आपको इस बार बीएचयू मिलना था तो आपको इस बार एम्स मिलने वाला है फ्रेंड्स, ठीक है। इस तरह मेहनत कर दो फ्रेंड्स कि देखिए आपका जो पढ़ाई है उसको भी लगे कि नहीं अब इसको सक्सेस करवाना पड़ेगा। फ्रेंड्स भगवान उन्हीं की सहायता करते हैं फ्रेंड्स, जो मेहनत करते हैं, जो मेहनत पे विश्वास रखते हैं, ठीक है। सपोर्ट उन्हीं को लोग करते हैं जो मेहनत करते हैं, ठीक है।
और मैं पेरेंट्स से भी यही बात कहूंगा कि अपने बच्चों को प्लीज सपोर्ट करें। अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ मेरे बच्चे सक्सेस कर सकते हैं, अगर बच्चे में जुनून दिखता है तो आप उनको एक और मौका जरूर दीजिए, मैं कहता हूं। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, और देखिए फ्रेंड्स और उनके पेरेंट्स जरूर इस वीडियो को जरूर देखें, अपने पेरेंट्स को जरूर ये वीडियो दिखाएं, क्योंकि 15 लाख जितना भी 15 लाख बच्चे हैं फ्रेंड्स, वो सभी चाहते हैं कि हाँ हम डॉक्टर बन जाएं। पढ़ने वाला नहीं पढ़ने वाला, मीडियम वर्ग का हर एक बच्चा चाहता है कि हाँ मैं एक डॉक्टर बनूंगा। तभी वो ये ड्रीम देखता है, तभी वो बायोलॉजी लेता है, तभी वो पढ़ाई करता है, एलएन में, आकाश में, यहां पे, वहां, हर इंस्टीट्यूट में जाता है, पूरी मेहनत करता है, बुक्स लेता है, बुक्स पढ़ता है, एनसीईआरटी पढ़ता है, सब सब्जेक्ट पढ़ता है फ्रेंड्स। तो वो वजह बस यही रहती है कि वो डॉक्टर बनना चाहता है। कोई भी बच्चा ये नहीं सोच के पढ़ाई करता है कि मुझे सक्सेस नहीं करना है, बट हो सकता है कि कहीं उनमें कुछ गलतियां होती है, मैं मानता हूं कहीं उनमें कुछ गलतियां होती है जिसकी वजह से उनका सिलेक्शन नहीं होता है फ्रेंड्स, मैं मानता हूं। बट आप उन सभी को नेग्लेक्ट करके आपने क्या किया उसको आप भूल जाओ। अब आप क्या करोगे और कैसे सिलेक्शन पाओगे वो आपको बस सोचना है। रिजल्ट आपका जो भी आए फ्रेंड्स, रिजल्ट जो भी आए, किसी को कुछ भी पैनिक नहीं होना है। जिनका रिजल्ट अच्छा होगा, जो जिनको कॉलेज मिल जाएगा, उनको कॉन्ग्रेचुलेशन मेरी ओर से। और जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया इस साल, जिनका सिलेक्शन नहीं होगा इस साल, वो जाके मुझे कमेंट करेंगे कमेंट सेक्शन में और प्रॉमिस करेंगे कि सर नीट 2021 में हम आपको डॉक्टर बन के दिखाएंगे, हम सर नीट क्रैक करेंगे, मुझे प्रॉमिस कीजिए सर। आप लोग जो भी जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं वो मुझे प्रॉमिस करें कि नीट 2021 सर हम ही क्रैक करने वाले हैं, दिखाइए अपना जज्बा, ठीक है। तो प्लीज मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूं, कोई भी स्ट्रेस ना ले, कोई भी टेंशन में ना जिए कि हाँ मेरा ऐसा नीट गया, नीट 2020 इतना इजी था तो मेरा खराब चल गया। सर मैंने एक स्टूडेंट को यही बात समझाया था, उन्होंने मुझे कहा कि सर क्वेश्चन बहुत इजी था सर, अगर हम मेरा एग्जाम अच्छा चल जाता ना तो बहुत अच्छा होता, क्वेश्चन बहुत इजी था। तो मैंने उनसे बस यही एक छोटा सा बात कहा कि आपने पढ़ा है ऐसी वजह से आपको इजी लग रहा है, सही बात है ना सर, आपने उस चीज को पढ़ा है तब आपको इजी लग रहा है, अगर आप नहीं पढ़ते तो वही चीज आपको ज्यादा हार्ड लगता, आपसे नहीं बनता। हो सकता है नीट 2021 इससे भी ज्यादा इजी हो, अगर आप पढ़ लोगे तो इससे भी ज्यादा इजी हो, आप अच्छे से क्वालिफाई कर पाओगे। तो फ्रेंड्स मेरा बस यही रिक्वेस्ट है, कोई सुसाइड का ना सोचे, जैसा कि आप देख सकते हो फ्रेंड्स, कोई सुसाइड का ना सोचे, स्ट्रेस ना ले, टेंशन ना ले, और सबसे बड़ी बात खुश रहे फ्रेंड्स। ऐसा नहीं कि मेरा दोस्त मेडिकल कॉलेज जा रहा है हमको डिप्रेशन हो रहा है, फ्रेंड दूसरों की चिंता आप ना करें, आप अपनी चिंता करें, आप कब मेडिकल कॉलेज जा रहे हो ये मुझे आप बता दो, तो दूसरे की चिंता ना करें कि कौन कहां जा रहा है, आपको नीट 2021 में कहां जाना है आप मुझे कमेंट करके बताओगे, आपको एम्स चाहिए, बीएचयू चाहिए या फिर एएफएमसी चाहिए, क्या चाहिए आप मुझे कमेंट करोगे, और अपना ड्रीम मेडिकल कॉलेज करने के बाद मुझे जरूर मैसेज करोगे, सर मैं आपसे बात करूंगा, जरूर मुझे आप मैसेज करोगे। तो फ्रेंड्स ये वीडियो को मैं ज्यादा बड़ा नहीं करने वाला हूं, बस यही कहता हूं गार्जियन और स्टूडेंट दोनों मिलकर कॉपरेट करें और अच्छे तरीके से फिर से पढ़ाई करें फ्रेंड। 6 मंथ आप लोगों के पास बाकी है, आप देख लीजिए 6 मंथ ही आपके पास बाकी है, और मैं आप लोगों को फुल सपोर्ट कर रहा हूं इस नीट 2021 में फ्रेंड्स। जो भी आपको हेल्प चाहिए आप मुझसे पूछिए, मुझसे कहिए, मैं आपको फुल सपोर्ट करूंगा फ्रेंड्स, और जितने भी नोटिफिकेशन है मैं आपको दूंगा, ये मेरी गारंटी है। और आप फ्रेंड्स जरूर कमेंट करोगे इस बार कि आप नीट 2021 क्रैक कर रहे हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो काफी ज्यादा बड़ा हो गया, उसके लिए मैं माफी मांगता हूं, बट मेरे पास शब्द बहुत है फ्रेंड्स, इसके लिए मैं बहुत कुछ आप लोग से शेयर करना चाहता हूं फ्रेंड्स, बहुत कुछ, ठीक है, बट मैं नहीं चाहता कि आप लोग का ज्यादा टाइम लूं मैं, ठीक है। तो प्लीज इस वीडियो को जरूर शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ फ्रेंड्स, और प्लीज जो भी चैनल पे न्यू है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल प्रेस कर लेंगे। अगर आपको ये मेरा मोटिवेशनल पसंद आया होगा तो प्लीज यार एक लाइक बनता है यार, आप भी देख लो मेरा क्या हसर हुआ है बोलते बोलते, तो प्लीज एक लाइक तो बनता है यार अपने भाई के लिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और फ्रेंड्स कमेंट करना बिल्कुल ना भूले, ठीक है, मैं फिर से कहता हूं कमेंट करना बिल्कुल ना भूले, चैलेंज कीजिए, प्रॉमिस कीजिए फ्रेंड्स। और बात करते हैं हम लोग नीट 2021 के बाद फ्रेंड्स, डॉक्टर जब बनोगे आप तब, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।